हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मिलिन मिसाल। आज हम सीखने वाले हैं राइनो का ड्राइंग, गेंडे का ड्राइंग, जिसके लिए हमारे पास ऑयल पेस्टल है, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर लगने वाला है और ब्लैक स्केच पेन। सबसे पहले हमारा ये जो पेज है इसके ऊपर हम इतना बड़ा ड्रॉ करने वाले हैं, वो लेआउट ड्रॉ करते हैं। पेपर के सेंटर से हम लोग टिक मार्क कर लेते हैं कि हमें सेंटर से कितना ऊपर ड्रॉ करना है। अब जो राइनो होता है उसको एक सींग होता है, एक हॉर्न होता है, तो हम थोड़ा सा कर्व करते हैं सेंटर से थोड़ा सा ऊपर में। बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं, तो लाइट लाइट ड्रॉ करेंगे। जब भी हम कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो हमने बहुत लाइट लाइट ड्रॉ करना है, इरेज करें तो आसानी से इरेज हो जाए। तो ये सींग बनाने के बाद हमने एक स्लांटिंग लाइन ऊपर की ओर साइड में ड्रॉ किया, नीचे की भी साइड में। अब यहाँ पे हम उसका फेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस टाइप से हमने एक शेप ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम एक छोटा सा स्लांटिंग लाइन और बड़ा सा वापस स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर वापस कर यहाँ पे उसका ऊपर का भाग ड्रॉ करने वाले हैं, पीठ वाला भाग, और ये जो रहेगा पीछे का हिप्स वाला पार्ट कर्व करते हैं। फाइन, अब यहाँ से हम उसके गले का पार्ट, नेक ड्रॉ करने वाले हैं। तो बड़े फोल्ड होते हैं उसके शरीर में, तो बड़ा मास होता है, फोल्ड होता है, तो उसी टाइप से हम लोग लाइट लाइट ड्रॉ करते हैं। पैर उसके छोटे छोटे होते हैं, लेग छोटे छोटे होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं, तो दोनों लेग ड्रॉ करेंगे। एक यहाँ वी शेप जैसा, उल्टा वी शेप या ए अल्फाबेट जैसा ड्रॉ करेंगे, एक पैर आगे है ऐसा बताने वाले। नीचे से उसके पेट वाला पार्ट यहाँ से हम कर्व करते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व, लाइट लाइट ड्रॉ करना है, कर्व कर दिया है। अब ये पीछे का जो पैर होता है उसको ड्रॉ करने के लिए फाइन कर्व होना चाहिए। यहाँ से फोल्ड करते हैं और ये भी थोड़ा सा कर्व करके यहाँ से फोल्ड। चारों पैर की साइज सेम होना चाहिए, बहुत पतले भी नहीं, बहुत मोटे भी नहीं। एक पैर अंदर की साइड में दिखाई दे रहा है ऐसा हम ड्रॉ करने वाले हैं और दो फ्रंट में। तो इतना सारा ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम उसकी एक पूंछ ड्रॉ करेंगे, टेल कर्व होना चाहिए, फाइन कर्व, बहुत मोटी भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतली भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया उसका टेल भी। टेल के बाद उसका हिप्स का पार्ट दूसरे पैर वाला थोड़ा सा बाहर से कर्व करते हैं, लाइट लाइट ड्रॉ करना है, इरेज करने में आसानी हो जाती है। अब उसके पैर बना रहे कंप्लीट, छोटा छोटा कर्व करते हुए, चारों पैर की साइज सेम होना चाहिए और चारों पैर एक जैसे होना चाहिए, बहुत पतले भी नहीं, बहुत मोटे भी नहीं। इतना सारा ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक छोटा भी सींग ड्रॉ करते हैं। वैसे तो ये एक ही सींग वाला जानवर होता है, लेकिन हम और एक ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी उसकी आँख ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे उसका नाक भी रहेगा और माउथ भी रहेगा। तो यहाँ पे हम नोज ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा कर, और यहाँ पे हम उसके दो कान ड्रॉ करते हैं, तो फ्रंट से पूरा का पूरा दिखेगा और जो बैक साइड का कान है वो थोड़ा सा ही दिखाई देता है, दोनों की साइज सेम होना चाहिए। और उसके शरीर में जो जो फोल्ड होते हैं वो हम लोग थोड़े से ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड में ड्रॉ कर सकते हैं माउंटेन, ड्रॉ कर सकते हैं ट्री, क्लाउड या फिर और जंगल का सीन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग नीचे में थोड़ा सा पानी वाला पार्ट दिखाने वाले हैं, इसलिए ऐसा कर्व करते हुए और ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये सब ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पर हम बुश ड्रॉ करते हैं, बुश का आकार छोटा बड़ा करते हुए ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत बड़ी भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं, लाइट लाइट ड्रॉ करना है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना है ड्राइंग करते समय, कोई भी ड्राइंग करते समय हमें पेंसिल लाइट लाइट चलाना होता है। अब यहाँ पे हमने इतना सारा ड्रॉ कर लिया, कुछ
ट्री ड्रॉ करना है तो भी हम एक हाथ ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पूरा जंगल का सीन बना सकते हैं, या बहुत सारी ट्री बना सकते हैं, या माउंटेन ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर सन क्लाउड ऐसे सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम उसका एक छोटा बेबी भी ड्रॉ कर सकते हैं, पीछे में भी कोई बर्ड ड्रॉ करना है तो बर्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं जो उनके आजू बाजू में खड़े हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा क्रेन जैसा बर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो एकदम छोटा होना चाहिए उसकी हाइट के हिसाब से, मतलब हमारा जो राइनो है कितना बड़ा है उस हिसाब। और एक हम बर्ड उसके ऊपर बैठा हुआ दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ बर्ड हम डायनासोर के गर्दन के नीचे साइड में भी बैठा हुआ भी दिखा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग खड़ा भी, इसका एक छोटा बेबी भी बना सकते हैं राइनो का। तो कुछ चीज़ें हम हमारे मन से भी ऐड कर सकते हैं। पूरा ड्राइंग अच्छा हो जाने के बाद उसको हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करते हैं। ब्लैक पेन स्केच पेन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑयल पेस्टल कलर करने वाले हैं, इसलिए आउटलाइन के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें करने के लिए ही हम ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करते हैं। अच्छे से पूरा आउटलाइन कर लेना है, फिर आउटलाइन हो जाने के बाद इसको हम इरेजर से क्लीन करने वाले हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पे घास भी ड्रॉ कर लेते हैं, और भी कुछ ड्रॉ करना है, ट्री, फ्लावर या उसका एक बेबी, तो भी हम ऐड कर सकते हैं। सभी अच्छे से हो जाने के बाद आउटलाइन अब इरेजर से इरेज करना है, हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा दबा कर नहीं तो पेपर फट सकता है। अब ये जो कलर है ग्रे कलर, डार्क ग्रे और ब्लैक, इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम पूरे राइनो में, नहीं तो हम ये वाले शेड है तो इनका भी यूज़ कर सकते, तो हमारे चॉइस का, या फिर हमें और भी कोई दूसरा कलर करना है तो भी हम कर सकते। तो यहाँ पे हमने येलो आकर टाइप का एक शेड लिया है और ग्रे ग्रीन वाला शेड है, तो इस टाइप से हम दोनों मिक्स कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम शेडिंग पैटर्न करने वाले हैं, इसलिए दो शेड तीन शेड मिक्स करके हम पूरा ड्राइंग कंप्लीट करने वाले। तो ये येलो ऑकर शेड से हम पूरा उसका ऊपर ऊपर में पार्ट फिल कर देते हैं, ग्रे ग्रीन शेड से हम वापस आधा पार्ट कवर कर देते हैं, कलरिंग को राउंड राउंड करना है, छोटे छोटे पार्ट में करना है, पेपर का वाइट नहीं दिखेगा, ये भी चीज़ें ध्यान देना है, छूट जाए तो वापस करना है। अब ये जो ब्रंट अंबर शेड है इसका यूज़ कर रहे हैं, ऐसे हमने तीन शेड लगा लिए हैं, पहले येलो ऑकर, ग्रे ग्रीन शेड और ब्रंट अंबर, ऐसे तीन शेड लिए। फिर जो येलो ऑकर शेड है उससे पूरा का पूरा ड्राइंग के ऊपर हम मर्ज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंडिंग। यहाँ पे हम फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर का भी, नहीं तो कलर से अच्छे से राउंड राउंड करके मर्ज करना है। ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ग्रे वाला भी हम कर सकते हैं, या फिर और भी कोई कलर करना है तो भी हम कर सकते हैं। तो उसके थाइस के ऊपर थोड़ा सा डार्क शेड कर रहे हैं और पैर के ऊपर हम और डार्क करके उसमें ब्लैक यूज़ करने वाले हैं क्योंकि वो उस साइड के पैर हैं, दो फ्रंट के पैर हैं, इधर इस साइड है और दो पैर उस साइड है, इसलिए अच्छे से मर्ज करना है पूरा, धीरे 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 राउंड राउंड करना है। पिछला पैर जो है उसके ऊपर ब्लैक से थोड़ा सा शेडो ड्रॉ कर रहे हैं कि वो उस साइड दिखाई देगा, इस टाइप से। यहाँ पे भी जो जो फोल्ड होता है वहाँ वहाँ हम थोड़ा थोड़ा डार्क शेड कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गले के अंदर भी बहुत सारे फोल्ड होते हैं राइनो के, इसलिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ब्लैक शेड भर देते हैं और उसको मर्ज करेंगे। अब उसको ब्रंट अंबर शेड से मर्ज करें, मिक्सिंग धीरे धीरे राउंड राउंड पार्ट में करना है, पूरा अच्छे से
धीरे धीरे उसके नेल में भी कर लेते हैं। जी हो गया कि अब हम यहाँ पे हमारे पास ये बुश के लिए लाइट ग्रीन और ऑलिव ग्रीन है। यहाँ पे हम दो शेड कर रहे हैं, यहाँ पे तीन चार शेड का भी यूज़ कर सकते हैं, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। वैसे ही ट्री के अंदर भी हम तीन चार शेड यूज़ कर सकते हैं, ट्रंक में भी उसके लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, येलो पर यूज़ कर सकते हैं। और उस साइड में हमें यदि माउंटेन ड्रॉ करना है तो भी ड्रॉ कर सकते हैं, या जंगल बनाना है तो भी बना सकते हैं, उसका एक छोटा बेबी भी बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें हमें ऐड भी करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी दिखाने के लिए पहले लाइट शेड करते, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क शेड कर रहे हैं, और उसके अंदर हम ये हो जाने के बाद वाइट कलर से मर्ज करते हैं। मिक्स करने के लिए हम टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं या कॉटन का। अब ये जो येलो ऑकर है, जो ज़मीन का पार्ट है, वहाँ पे हम येलो ऑकर शेड भर देते हैं अच्छे से, लाइट लाइट। ट्री के अंदर भी जो पेड़ बनाया है उसके अंदर भी इसी टाइप से कलर कर देते हैं। पूरा अच्छे से हो जाने के बाद हम बैकग्राउंड में येलो और क्रोम येलो शेड का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोम येलो पूरा भरने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि हमें दूसरे कलर करना है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रीन शेड, थोड़ा सा ब्राउन शेड, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, तो इस टाइप से भी हम शेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने येलो शेड किया, फिर बाद में हम क्रोम येलो कर रहे हैं। पूरा पार्ट अच्छे से धीरे धीरे कंप्लीट होना चाहिए, आउटलाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये भी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, गया तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें ध्यान दे के नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो ऊपर बादल का पार्ट है उसमें हमारे चॉइस के हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पे पिंक रोज वाला कलर है और थोड़ा उसमें हम लाइट ब्लू शेड मिक्स करने वाले हैं, जिससे कि 2-3 कलर्स का यूज़ करना है हमें, सिंगल सिंगल कलर्स नहीं करना है। लाइट लाइट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए स्ट्रोक। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने येलो क्रोम येलो बनाया है, तो थोड़ा सा सूखा घास टाइप से है, तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर से स्ट्रोक ऊपर की ओर दोनों साइड में ऐसे कहीं कहीं पे घास बनाते चलते हैं। यदि ग्रीन कलर का रहा होता तो हम ग्रीन कलर का कर रहे होते हैं। ऐसे ही थोड़ा बर्ड में हल्का सा ब्लू शेड कर देते हैं। इस टाइप से हम एक सुंदर सा राइनो का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।